तो गाइस स्वागत है आपका व्यूजेस की सीरीज में। बात करते हैं व्यूजेस क्या है, व्यूजेस लाइक व्यूजेस को हम यूज़ क्यों करें जब हमारे पास रिएक्ट एंगुलर जैसी लाइब्रेरीज हैं, तो हमें व्यूजेस की जरूरत क्यों करें। देखो व्यूजेस जो एक फीचर है, अपने अपने यूआई का अपने 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 का लाइक फ्रेमवर्क का अपना अपना काम होता है, ऐसी व्यूजेस का है। व्यूजेस का यूजर इंटरफेस बनाने काम आता है, क्रिएट यूजर इंटरफेस बनाने काम आता है, और आपका एंगुलर भी सेम आता है। देखो बता दूँ आपको, एंगुलर जो है टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, रिएक्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों का सपोर्ट है, सेम एज Vue.js में भी TypeScript और JavaScript दोनों का सपोर्ट है। बता दूं Vue.js क्या है, प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है JavaScript का, बट React जो है लाइब्रेरी है। एंड देन आपको बात करिए कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल फाइल कंपोनेंट का आपको एक यूटिलिटी मिल जाती है, सिंगल फाइल कम अगर इस पर क्लिक करो तो आपको मालूम पड़ता है कि सिंगल फाइल कंपोनेंट के अंदर आप तीनों चीज़ें एक जगह लिख सकते हो, लाइक स्क्रिप्ट भी, स्टाइल भी और टेम्पलेट भी। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टाइल जो है आपकी स्कोप होती है, मतलब स्कोप डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरी जो स्टाइल है मेरे इसी के अंदर रहे, इस चीज़ को आप बता सकते हो। टेम्पलेट के अंदर आप बेसिकली HTML कोड लिखते हो, बिल्कुल जो HTML कोड जो आप फर्स्ट लाइक फिफ्थ सिक्स पढ़ते आ रहे हो वही कोड आप इस टेम्पलेट के अंदर लिखते हो। ये लिख रहा है ना एट द रेट, इसका मतलब हो गया डायरेक्टिव। इसे कुछ डायरेक्टिव में कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को लाइक कांटो प्लस प्लस, इसमें देख लो ना जैसे हम ऑन क्लिक में फंक्शन देते हैं तो इसमें भी सेम दे सकते हैं विदाउट बिन HTML। आप HTML के अंदर सब काम कर रहे हो, बट बात यह है कि आप डॉट HTML सेव ना करके इसको करते हो डॉट व्यू के नाम से, VUE इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का, जिसको आप सेव कर दो। और अगर कोई मैसेज प्रिंट करना होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन प्रिंट करना होता है, टेक्स्ट इंटरपोलेशन करनी होती है, तो आप क्या करते हो ऐसे एक्सप्रेशन देते हो जिसके अंदर आप टेक्स्ट को प्रिंट करते हो। आपके जो भी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वर्क होता है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है, जो भी स्टाइल रिलेटेड वर्क होता है वो आपका स्टाइल के अंदर होता है, जो आपका रेंडरिंग वर्क यानी कि जो HTML होती है वो आपकी टेम्पलेट के अंदर आती है। तो आप सिंगल फाइल कंपोनेंट का इसमें पूरा पूरा सपोर्टेड है। ओके क्रिएट में क्या आपको सब चीज़ अलग अलग लेनी पड़ती है, देन इम्पोर्ट करो उनको, मैनी मोर थिंग आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। और आपको बता दूँगी ये यूज़ करता है वेट का, इसीलिए सबसे ज़्यादा फास्ट है ये फास्ट भी है। और देन आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो लाइट इसके जो पैकेज होते हैं जो आप अलग से पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर चीज़ें लिखी जाती हैं इसमें। आपको बता दूँ ये फ्रेमवर्क है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। आपको ये प्रोवाइड करता है, आपके कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आपको इसकी आप इसकी कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे आप, लाइक आपको स्टाइल के अंदर आप स्टाइल ही लिख सकते हो, या HTML के अंदर HTML लिख सकते हो, और स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग के रिलेटेड ही वर्क लिख सकते हो। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है इसका, इसलिए फ्रेमवर्क है। सेकेंड थिंग ये कि आपको इसमें कम्युनिटी सर्वर बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको यदि कम्युनिटी देखो तो सबको अच्छा है, प्ले ग्राउंड भी दिया हुआ है कि आप प्ले ग्राउंड में जाकर इनके जिनके भी कोड्स हैं इनको प्ले कर सकते हो, लाइक इनके जो ट्यूटोरियल दिए हुए शो बाई डू, लाइक आप हर चीज़ में कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहो आप इसमें। और देन बात करते हैं इसके, अगर इसको देखा था कि व्यूज मास्टरी नाम से एक वेबसाइट है जिसमें क्या इन्होंने कोर्स प्रोवाइड करके, अगर आप इंटरेस्टेड हो 40% ऑफ चल रहा है, अगर आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो यहाँ पर 40% ऑफ पर। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं इन्होंने दिए हुए हैं, लाइक इनके पीनिया कोर्स है और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो देखने वाले हैं, लाइक इन्होंने नक्सजीएस का भी दिया हुआ है, नक्सजीएस का कोर्स चाहिए नक्सजीएस का कोर्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। कम्युनिटी इतनी अच्छी है इनकी, अगर ट्यूटोरियल से भी जाओगे तो इन्होंने पूरा पूरा दिया हुआ है व्यू जिसके बारे में हर चीज़ बताई हुई है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सब पूरा बताया हुआ डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद आपको हर कोड का एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्पल कैसे काम करता है सब कुछ। तो अब थोड़ा समझते हैं कि भाई व्यू जेस को यूज़ क्यों करें, लाइक अगर बिगिनर हो उसके लिए समझते हैं भाई व्यू जेस हमें यूज़ क्यों करनी पड़ी। को भी भी यूज़ इसीलिए करते थे जो व्यू जेस करते हैं। अगर हम एक सेक्शन में लेते हैं जिसमें हमारी वेबसाइट मानते हैं, इस वेबसाइट के अंदर मेरे कुछ कंपोनेंट हैं, लाइक मेरा एक कंपोनेंट है जिसमें क्या हो रहा है, लाइक एक मेन सेक्शन है, एक मेन है जिसमें क्या है मेन यानी कि कहते हैं हेडर, आपका हेडर हो गया। एक मेरा असाइड है, असाइड बेसिकली मेरा साइड बार, यहाँ से मेरा साइड बार आ रहा है, यहाँ से भी मेरा साइड बार है, देन यहाँ मेरा फुटर, और देन बीच में जो है मेरा मेन सेक्शन, लाइक जहाँ पे मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट हुआ, ये मेरा साइड वार टैग हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन साइड वार्स को अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ, इसको अलग कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ, इसको अलग में, इसको अलग में, इसको अलग, देन इसको भी अलग, एंड सबको मिलाकर मैं पूरा एक सेक्शन यानी कंटेनर बना सकता हूँ, उसके अंदर इनको रख सकता हूँ। और रीजन इतना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेन का कंटेंट चेंज, तो मेन का ही कंटेंट चेंज कर सकता हूँ और किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दोबारा यूआई रेंडर नहीं होगी, इतनी
इसलिए इसको यूज करते हैं। यही सेम आपके रियडजेस में था कि आप कंपोनेंट बना सकते हो, आप एक नहीं हजार कंपोनेंट बना सकते हो, हजार कंपोनेंट हजार जगह यूज कर सकते हो। आपको बता दूं इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर है, इसमें ग्लोबल और लोकल दो तरीके कंपोनेंट बना सकते हो, बट रियडजेस में आप ओनली लोकल कंपोनेंट बना सकते हो जो आपको इम्पोर्ट करने पड़ते थे, बट आपको व्यूजेस के अंदर आपको ग्लोबल कंसेप्ट, ग्लोबल कंपोनेंट का कंसेप्ट भी मिल जाता है। बट उसको रिकमेंडेड कम किया जाता है, वो बात देखेंगे आगे क्यों रिकमेंडेड कम किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। अब इसके इंस्टॉलेशन पार्ट चलते हैं कि इंस्टॉलेशन क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि व्यूजेस इस्तेमाल कर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ चलेंगे आपको और समझ में आएगा कि व्यूजेस क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, चाय पानी लेके बैठे, आपको और इंटरेस्ट आएगा। ओके, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें लाइक इन्होंने देखो बताया हुआ है कि एप्लीकेशन क्रिएट ऐसे होती है, इनका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। एक आईडी होती है डेव, जैसे कि आपको पता होगा अगर रीएडजेस्ट बैकग्राउंड से, तो उसमें एक आईडी होती है रूट, उसके अंदर आप क्या करते हो पर उसको रूट क्रिएट करते हो, वर्चुअल डॉम से कनेक्ट करते हो, देन उसके बाद उसमें रेंडर करते हो ऐप अपनी फाइल को, ऐसा ऐप कंपोनेंट को, पूरी एप्लीकेशन को। ऐसे ही सेम इसमें होता है बट थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो चलते हैं थोड़ा क्विक स्टार्ट पर और देखते हैं क्या बताया इन्होंने। बताया कि npm क्रिएट करो भाई मेरे व्यू लेटेस्ट को, जो भी है देखो व्यू जो है आपके वीट पैकेज का इस्तेमाल करता है, तो आप भी वीट पैकेज का इस्तेमाल ही करोगे इसमें भी। तो क्रिएट कर देते हैं एक एप्लीकेशन, समझते हैं इसे फोल्डर स्ट्रक्चर को, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है भाई, इसमें क्या चीज़ें ऐसी जो हमें समझ में नहीं आ रही। ओके, तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। फर्स्ट npm क्रिएट व्यू एट द रेट लेटेस्ट, मैंने यहीं से कॉपी कमांड किया हुआ है। ओके, इसमें बताया कि प्रोजेक्ट का नाम देना है, टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, जेएसएस सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, रिएक्ट आउट डोम चाहिए नहीं चाहिए, लाइक व्यू का राउटर चाहिए नहीं चाहिए, पेनियस स्टेट मैनेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए, वी टेस्ट यूनिट टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट अभी हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल नो करेंगे। तो मेरा होगा सबसे पहले फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मेरे को, जैसे सपोर्ट नहीं चाहिए, आउटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से फिलहाल में। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, npm जब तक इंस्टॉल होने वाला है तब तक समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या कहता है हमसे थोड़ा बड़ा प्रोग्राम। सबसे बड़ा होता है कि हेलो वर्ल्ड, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही निकलता है, देन उसके बाद आते हैं कैलकुलेटर्स और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं। देखो ये सबसे पहले फाइल होती है कि main.js, जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है अपनी एप्लीकेशन का। आपको एंट्री पॉइंट देखना होगा packet.json में जाकर देख सकते हो, यहाँ पर एंट्री पॉइंट डिफाइन नहीं किया बट इन्होंने एंट्री पॉइंट डिफाइन किया जाता है यहाँ पर भी main.js, आप कर सकते हो। आप इसकी स्क्रिप्ट देखोगे तो इसमें इस्तेमाल किया हुआ वीट का बिल्ड करने के लिए, वीट बिल्ड का प्रीव्यू करने के लिए, वीट प्रीव्यू का, और इसमें जो डिपेंडेंसी है ओनली इसमें व्यू इंस्टॉल किया गया है, और डिपेंडेंसी में वीट का प्लगइन इंस्टॉल किया, वीट इंस्टॉल किया हुआ, दो चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं main.js। main.js के अंदर क्या क्या इंपोर्ट किया इन्होंने main.css फाइल को, सबसे पहले समझते हैं बिल्कुल रूट फाइल को। एक होता है VS कोड, इसके अंदर क्या है मेरे प्रोफाइल, जो भी मेरे एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है वो चीज़ें उसमें बताया कि भाई रिकमेंडेड ही है इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लो, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर आपके में इंस्टॉल नहीं तो आप इंस्टॉल कर लेना, आपके में ऑटोमेट सजेशन आ जाएगा, इधर से एक पॉपअप ओपन होता है वहाँ से आपको सजेशन आ जाएगा। सेकेंड नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी जितनी भी आप लाइब्रेरीज पैकेजेस होंगे वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहेंगे। आप इसको सर्वर पोस्ट नहीं करते हो बट डेवलपमेंट के अंदर आप उसको रन करते हो, जब सर्वर के अंदर करते हो तो सर्वर अपना खुद का नोड मॉड्यूल फोल्डर जनरेट करता है। ओके, पब्लिक फोल्डर के अंदर पब्लिक चीज़ें रहेंगी जो आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हो, वो चीज़ें। src फोल्डर आपका मेन फोल्डर है जहाँ पर आप सारे कंपोनेंट्स, एसेट्स, इमेजेस, फॉन्ट सारे आप इसी के अंदर रखोगे। ओके, अगर इसमें देखो तो एसेट्स दिया हुआ है, एक कंपोनेंट्स नाम से दिया हुआ है, उसके अंदर एक आइकन्स नाम से फोल्डर दिया हुआ है, देन एक एप डॉट व्यू। एप डॉट व्यू जो है आपकी एक मेन फाइल है जिसके अंदर सारा कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइल मतलब कंपाइल नहीं इंपोर्ट हो रहा है, देन इंपोर्ट होने के बाद main.js में कंपाइल हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो मैंने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया हुआ है एप डॉट व्यू में से। ओके, एक क्रिएट व्यू फंक्शन लिया जिसके अंदर क्या मैंने पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैं उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी एक एप्लीकेशन बनानी है, आपको ब्राउजर से कह रहा हूँ मेरी एप्लीकेशन बनाओ, उसको अंदर माउंट कर दो। किस किस पर माउंट करना है हमें, अगर मैं जाता हूँ इसकी index.html में तो यहाँ पर दिया हुआ है ऐप को, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूँ राम श्याम कृष्णा हरी कुछ भी, तो वहाँ पर भी वही माउंट करेगा। माउंट का मतलब होता है एप्लीकेशन वहाँ पर आती है, अनमाउंट मतलब माउंट का मतलब बर्थ होता है, अनमाउंट मतलब डेथ होता है, एक सिंपल टर्म में समझते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं एसेट्स फोल्डर। एसेट्स फोल्डर के अंदर से CSS रखी है, लोगोज और SVG एंड मेंट और CSS रखी हुई है। इसको रन करके देखते हैं रन करने पे कैसा दिखता है। रन करने के लिए कमांड है यार्न डेव, अगर आप यार्न डेव npm रन डेव आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ देख सकते हो कि कमांड्स क्या है,
स्टार्ट करने के लिए आपको डेव कमांड लिखनी पड़ती है, बिल्ड करने के लिए बिल्ड कमांड। ओके, इसको खोल देखते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है जो इसका सही भी है भाई, इसके इंटरफेस के हिसाब से आप देखोगे तो इसने कंपोनेंट बना रखे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लाइक ऐप के अंदर जाते हैं। तो देखो इसने दो कंपोनेंट इंपोर्ट कर रखे हैं, जिस पहले कंपोनेंट नाम हेलो वर्ल्ड है, दूसरे कंपोनेंट नाम दी वर्ल्ड है, दी वेलकम। तो जो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है वो आप अगर आप एप्लीकेशन को देखते हो इसको, एप्लीकेशन को देखते हो तो एप्लीकेशन में आपको हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा कहीं ना कहीं। बट आप ये देखो इन्होंने क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरा कंपोनेंट बनाकर इसको पूरी यूआई को मेड किया हुआ है। अगर हम देखें हेलो वर्ल्ड कहाँ प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड इन्होंने प्रिंट किया है यू डिड इट। तो यू डिड कहाँ पर है देखते हैं इसमें, तो यू डिड ये, तो ये हमारा जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, ये मेरा हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर आ रहा है, और दूसरा वाला है दी वर्ल्ड दी वेलकम कंपोनेंट के अंदर पूरा का पूरा एप्लीकेशन। जो आप इसे अभी इस पर ध्यान मत दो कि मैसेज के अंदर क्या जा रहा है, एक वेरिएबल मान लो जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास की है, स्ट्रिंग को ऐसा वहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग हमने गेट की है मैसेज नाम से और काम हुआ है। वैसे कि बेसिक टर्म में कहा जाए तो इसको एक प्रॉप्स कहते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, आपको एक जब एक आप लाइक इनपुट बॉक्स है उसके अंदर कोई चीज़ें भेजते हो, नॉट चीज़ें भेजना, एट्रीब्यूट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स बनाते हो, कस्टम एट्रीब्यूट, उनको प्रॉप्स ही मान लो आप सिंपल सा कहने का, बट ले ही है। ओके, अगर आप इसको कोड देखो तो सिंपल ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि आप सिंपल एचटीएमएल लिख रहे हो, जितना कहते हैं ना सिंपल एचटीएमएल। मैं प्रोफाइल चेंज कर लेता हूँ फिलहाल में। ओके, मैंने प्रोफाइल बना रखी है अपने अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कुछ बना सकते हो। ओके, तो मेरा कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें देख रहे हो सिंपल एचटीएमएल लिख रहे हो ना, जो आप सिंपल एचटीएमएल लिखते हो वो सिंपल एचटीएमएल आप यहाँ लिख रहे हो, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। आपने एचटीएमएल, आपने जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखी, जावास्क्रिप्ट में सेटअप जो लिख रहा है वो कंपोजन एपीआई का एक वो है मेथड, जिसमें आप बता रहे हो सेटअप कर रहा हूँ मैं पूरे को। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले माउंट करनी पड़ती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेटा माउंट, बहुत सारे मेथड्स हैं उनको आपको करना पड़ता था, बट उसको रिजॉल्व कर दिया कंपोजन एपीआई ने, बोला भाई तुम इतना क्यों कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम सेटअप करो डायरेक्ट। सेटअप करने के बाद इम्पोर्ट किया उसने, अब कॉन्स्ट वेरिएबल जो भी बनाना है वो काम करते हैं। अब सिंपल एक समझते हैं कि अगर हम खुद का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना तो वो कैसे लिख पाएंगे, लाइक खुद का एक खुद हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जिससे हमारी अपनी लगे हाँ भाई कुछ हमने किया आज एप्लीकेशन में, तो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ समझते हैं, सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या आता है आपका, जो भी आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वर्क करोगे, लाइक आपका कुछ भी टॉगल हुआ, आपका लॉजिकल जो वर्क होता है वो आप इसके अंदर लिखोगे, जिसमें आपको सेटअप लिखना जरूरी है। इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एमएसजी, जिसका मेरा एमएसजी का नाम है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट कराना है। अब मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सी एल जी कर दूंगा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि भाई डॉट व्यू, डॉट व्यू क्या पता कि भाई मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे और फिर चाहिए टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर मैं पास करूंगा जो चीज़ें जो स्क्रिप्ट के अंदर, लाइक मैं अगर एच वन पास करता हूँ, एच वन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ एम एस जी। अब एम एस जी पास करने के लिए मुझे डायरेक्ट इसके इंटरपोलेशन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, ये आपके देख रहे हैं ना, ये दो कर्ली ब्रेसेस, दो बार कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, उसके बाद मैसेज लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ जाना चाहिए, तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अभी आप जो सोच रहे होगे कि यार ये तुम्हारे बीच में कैसे आ रहा है, मेरा बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सी एस एस ना मेन डॉट सी एस एस में जे एस में लिखी हुई है। अगर मैं सी एस एस को हाइड कर दूँ तो बिल्कुल जैसा था ना वैसा आ जाएगा, लाइक बिल्कुल सिंपल दबा हुआ सा, तो अच्छा ही लग रहा है ना, इसको ढकें। अब समझते हैं थोड़ा बहुत आपके ग्लोबल और लोकल कंपोनेंट के बारे में, क्या कह रहा था भाई उसका मतलब क्या है, कुछ तो बताओ क्या कंपोनेंट। सबसे पहले समझते कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन देखो मैं ये फोल्डर से ना ये डिलीट कर देता हूँ, मेरे कोई काम के नहीं है फोल्डर, इन दोनों फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स नाम से। कंपोनेंट्स, इसमें पहला कंपोनेंट होगा मेरा हेलो, लाइक ग्रीट, ग्रीट डॉट व्यू, व्यू एक्सटेंशन रहेगा इसका, जिसमें सिंपल सा वही कोड स्क्रिप्ट, जिसमें स्क्रिप्ट में क्या होगा कॉन्स्ट होगा एम एस जी हेलो सर हाउ आर यू, देखा ना लाइक हेलो सर हाउ आर यू आप बोलते होगे अपने कॉलेजेस में जो कुछ भी है, तो ऐसे यहाँ बोलो हेलो सर हाउ आर यू। अच्छा, टेम्पलेट, टेम्पलेट में क्या कर रहे हो आप, सिंपल मैसेज प्रिंट करा रहे हो और लिख रहे हो वाह। ओके, अब एक ग्रीट ना मेरे को यूज़ करनी है, देखो मैं ये सारा अपने आप बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट करना पड़ता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, आपको सिंगल फाइल कंपोनेंट की फंक्शनलिटी मिलती है इसके अंदर, ये नहीं कि आप एक के अंदर दस चीज़ें बनाए जा रहे हो। ओके, आपको अगर इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट आप करोगे ऐसे, इम्पोर्ट लिखते हो, फिर लिखते हो ग्रीट कंपोनेंट
नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। अगर आपके हिसाब से अगर नहीं लगता है कोई नेमिंग कन्वेंशन ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो, बट एक नेमिंग कन्वेंशन होता है हर चीज़ को करने का। तो ग्रिड डॉट व्यू आपका ये खुल जाएगा। देन कहाँ प्रिंट कराना है, एच वन नीचे, एच वन के ऊपर? मैं एच वन के नीचे कराना चाहता हूँ उसको। ओके देखते हैं कुछ आया। हाँ आ तो आया, हेलो बट ये सर नहीं आया हमारा, चेक करते हैं क्यों नहीं आया भाई। एम एस जी भी सही है, स्क्रिप्ट सही है। अब देखो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने सेटअप नहीं किया इसको, समझ में आया? सेटअप का यूज़ कहाँ होता है, आ गया ना मेरा हेलो सर हाउ आर यू। तो ये फ़र्क होता है आपके सेटअप और इसमें। तो आई होप आपको इसे समझ में आया हो। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट, लाइक स्टाइल। सॉरी स्टाइल हम कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो आपको रियल चीज़ के अंदर नहीं मिलेगी, बट इसके अंदर आपको मैं दिखा दूँगा आपको। ये है आपकी स्टाइल जो एच वन है, मेरा एच वन यहाँ पर भी है और मेरा एच वन यहाँ पर भी है। अब एक चीज़ देखो कि दोनों एच वन है। अगर मैं स्टाइल इसमें कर रहा हूँ, लाइक चाइल्ड में कर रहा हूँ, लाइक मैं चाइल्ड का समझ जाता हूँ आपको, कि अभी क्या हो रहा होगा कि अभी वो इसको हटाते हैं फालतू कबाड़े एंड एक चीज़ समझते हैं। एक कंपोनेंट था मेरा एफ डॉट जी एस, इग्नोर करना राइटिंग को, बहुत अच्छी बेकार है एफ डॉट जी एस। अब क्या किया मैंने, इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर रहा हूँ। मेरे कंपोनेंट का नाम एच हेलो वर्ल्ड जो भी है, ओके। दूसरा कंपोनेंट कुछ हेलो टू है, तीसरा नाम है हेलो थ्री। तीनों के अंदर तीन अगर एच वन लिखा हुआ है, तीनों के अंदर एच वन लिखा, तो अभी सोचो वो जा तो कंपाइल होकर एप डॉट जेएस में रहे, तो कुछ ना कुछ तो वो काम करेंगे। लाइक उनका स्टाइल लगा है भाई, पूरी एप्लीकेशन में स्टाइल लगना चाहिए। बट व्यू जेएस के अंदर आप स्कोप डिफाइन करते हो भाई, क्या मेरा स्कोप मॉड्यूल रहेगा, ग्लोबल रहेगा, या फिर मेरा आपका इसी के अंदर रहेगा। देखते हैं क्या चीज़ होती है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, एच वन के अंदर पहले तो इसको देना पड़ेगा स्टाइल के, तुम्हारी स्टाइल कहाँ तक है। तो इसमें अगर चेक करें तो इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल, दूसरा लिखा हुआ है आपका स्कोप। तो स्कोप देते हैं एच वन, कलर कर देता हूँ लाइक रेड, बेसिकली रेड लेते हैं, जो तो यूआई बनाने काम आएगा अच्छा लगे। अब ये एच वन है ना, ये वाला एच वन होना चाहिए ओनली, और वाले एच वन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस पर। तो देखो वही सेम हुआ, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इस वाले एच वन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके तो ये होता है आपका स्टाइल का स्कोप। इसमें एप डॉट व्यू के अंदर देखते हैं, एप डॉट व्यू के अंदर आप कितने भी कंपोनेंट तो कंपोनेंट को आप रजिस्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपोनेंट्स की। ये तो होते हैं आपके लोकल कंपोनेंट्स, एक होते हैं आपके ग्लोबल कंपोनेंट्स। तो समझते हैं ग्लोबल कंपोनेंट्स का कंसेप्ट। तो मेरा एक ग्लोबल कंपोनेंट है, बेसिकली ग्लोबल कंपोनेंट को कम रिकमेंडेड किया जाता है क्योंकि आपके स्पेस को घेरते हैं। लाइक आपकी एप्लीकेशन होती है उसको वर्डन पड़ता है उसको कि भाई आप अगर आपने यूज़ नहीं किया तो स्पेस तो उसने घेर लिया ना भाई, वो माउंट हुआ तभी उसने घेर लिया। तो देखते हैं ग्लोबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। देखो सिंपल कंपोनेंट से कैसा भी वो सेम बनता है, इसका सेटअप लिखना पड़ेगा कौन से लेवल। अभी देखो मैं सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी मैसेज आ नहीं रहा। ओके एक टेम्पलेट में आते हैं जिसमें क्या होगा, सिंपल सा एक एच वन होगा और ले दूंगा मैं एम एच सेम बस। ओके अब ऐसा नहीं, काम नहीं कर रहा हूँ, काम तो कर रहा होगा। अब पार्ट ही मेरे को विदाउट इम्पोर्ट काम करना है, तो पहले मुझे ये रजिस्टर करना पड़ेगा अपने ग्लोबल में। तो ग्लोबल में रजिस्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा स्कोप ग्लोबल कंपोनेंट को, किसमें से करूँगा स्लैश ग्लो कंपोनेंट्स के अंदर से मेरा ग्लोबल, देन इसको रजिस्टर करना है। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा जो क्रिएट ऐप है ना, मेरे को एक वेरिएबल अंदर लेना पड़ेगा ऐप के अंदर, देन उसको माउंट करना पड़ेगा ऐप डॉट माउंट। उससे पहले माउंट होने से पहले, यानी कि एप्लीकेशन बनने से पहले, मेरी एप्लीकेशन ब्राउजर आने से पहले मुझे रजिस्टर कर दो मेरे अपने कंपोनेंट्स को। कैसे, ऐप डॉट कंपोनेंट, मेरे कंपोनेंट का नाम क्या होगा, मेरे कंपोनेंट नाम है ग्लोबल कंपोनेंट। ये ग्लोबल कंपोनेंट आ गया और ग्लोबल कंपोनेंट मेरा यहाँ पे आ गया, ये मेरा ग्लोबल कंपोनेंट। अच्छा वो नेमिंग करने कुछ भी रखो, जब इम्पोर्ट करोगे इस नेम से करोगे, इसको उठाया आपने। अब मेरे को मान लो ग्रिड के अंदर डालना है, देखना मैं इम्पोर्ट नहीं करूँगा, देखते कुछ हुआ, एक एरर आ गया। एरर आया भाई कि फेल टू रिजॉल्व, आपके ये मेन डॉट सी एस एस नहीं मिल रही, ठीक है नहीं मिले तो हटा दो उसको, नहीं चाहिए हमें भी।
देखो आ गया ना हरी राम, मुझे इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। मुझे अगर वही सेम मुझे एप डॉट व्यू चाहिए तो सिंपल वाले करूँगा मैं। तो ये होता है आपका ग्लोबल कंपोनेंट स्टाइल, आपका ग्लोबल कंपोनेंट उसका स्कोप। अब ये सोच रहे हो इसमें स्टाइल के सही, भाई आपने जो इसको इम्पोर्ट किया तो आपने उसको बताया थोड़ी ना कि आपने स्कोप दिया, स्कोप तो आपने पूरी फाइल का दे दिया ना फाइल का, तो इस वजह से रह गया। इस फाइल में जो स्कोप है उसके लिए लाइक ग्लोबल कंपोनेंट में अगर H1 है तो H1 आपको डिपेंड तो यहाँ हो गया, बट उसने H1 समझा कि भाई H1 इसके लिए भी है सेम, आपको डिपेंड कर सकते हो आईडी देकर, क्लास नेम, सूट सिलेक्टर, जो भी आपके मनपसंद हो। ओके तो आपको समझ में आ गया लाइक व्यू क्या होता है, एप डॉट व्यू क्या होता है। अब देखो ये व्यू है ना, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें मिलती है, लाइक इसके अंदर मिलता है रेफ। रेफ क्या करता है बेसिकली, आपको स्टेट के लिए काम आता है। जैसे रिएक्ट में अगर आप रिएक्ट बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा कि उसमें होता है यूज स्टेट, जिसमें आप स्टेट को चेंजिंग करते हो, ऐसे ही उसमें होता है रेफ। अगर जैसे यूज इफेक्ट होता है, इसमें होता है वॉच इफेक्ट। हम टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर, अब देखो कुछ चीज़ें समझाता हूँ आपको जो आपके आगे काम भी आए। लाइक ये तो मैसेज हो गया, मैसेज हो गया भाई, मैसेज करूँ क्या मैं? अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना हो, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे कि कौन लिखा हुआ है मेरा नंबर, इसने क्या मेरा 45, मैं चाहता हूँ कि ये चेक करूँगा भाई इस नंबर को कि ये नंबर जो है, नंबर जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ कि नंबर जो है मॉड्यूलस है कि नहीं, किससे 2 से इक्वल इक्वल 0 हो, यानी कि इवन होना चाहिए। कब तो क्या लिखूँगा मैं इवन, एल्स में और सिंटैक्स गलत हो गया। ओके चेक करा तो और है, तो जावास्क्रिप्ट एक्सपीरियंस में वर्क करते हैं। अगर मैं नॉट इक्वल टू कर दूं तब भी ये काम करेगा। ओके इवन, अगर मुझे कुछ भी लाइक ये तो गया मेरे कंडीशनल ऑपरेटर्स, लाइक मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक अगर नम, लाइक मेरा एक है 5 + 5 = 10 आना चाहिए, मेरे को पता 10 आ गया है पर मेरा, मुझे कुछ माइनस मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई भी आ जाएगा 25। तो ये होता है आपके टेक्स्ट इंटरपोलेशन, जिसके अंदर आप टेक्स्ट के अंदर कवर कर रहे हो, टेक्स्ट को आप लिख रहे हो, टेक्स्ट के अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आपको मैंने बताया सी से स्टाइलिंग। ओके टेक्स्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखते हो, जावास्क्रिप्ट को कैलकुलेशन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट इंटरपोलेशन। तो ये होता है टेक्स्ट इंटरपोलेशन का कंसेप्ट इन द व्यूजेस। तो आई होप गाइस आपको एक जावास्क्रिप्ट व्यूजेस का एक टेस्ट मिल गया होगा, व्यूजेस को कैसे यूज करना है, व्यूजेस के फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया हो आपको। अगर आप थोड़ा करके बिगिनर से एडवांस लेवल तक चलेंगे व्यूजेस को, व्यूजेस में हम देखेंगे लाइक एक और एप्लीकेशन से, लाइक अगर आप देखो बताऊँ आपको मैं, तो व्यूजेस की मदद से हम मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये भी बना सकते हैं। व्यूजेस में आपको आइनोनिक एक्सपो ऑन टर्की, टर्की लाइक टर्की एक फ्रेमवर्क है, उसको यूज़ करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।